नमस्कार दोस्तों, उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, जो आंसर की है एसएससी सीजीएल के लिए, उसको जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पे देख सकते हैं कि 16 मार्च को अभी जस्ट 11 बजे ही ये नोटिस जारी किया गया है। इसको आप अगर क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ खुलेगा। उस पीडीएफ पे अगर जाओगे तो उसमें कुछ बताया गया है कि आंसर की जो है 2019 के लिए रिलीज़ कर दी गई है। एग्जामिनेशन आपका जो हुआ था वो हुआ था 3/3/2020 से लेकर 9/3/2020 के लिए पूरे ऑल ओवर कंट्री में, ठीक है। और जो आपको आंसर की अवेलेबल होगी वो होगी 16 मार्च 11 बजे से लेके 21 मार्च 11 बजे तक, ठीक है। और अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो कुछ 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन लगेंगे अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो। और रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड आफ्टर 11 AM 21 मार्च विल नॉट बी एंटरटेन एनी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, यानी कि 21 मार्च 11 बजे के बाद अगर आप कोई भी चैलेंज वगैरह करेंगे तो उसके रिगार्डिंग कोई भी यहाँ पे जवाबदेही नहीं रहेगी। आपको 21 तारीख से पहले ही करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि लिंक यहाँ पे आ गया है। लिंक दोस्तों अवेलेबल कल भी हो गया था, लिंक एक्टिवेट भी हो गया था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद लिंक को शायद डीएक्टिवेट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन चुनना है। ऑलरेडी चूज्ड है एग्जामिनेशन SSC CGL 2019, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक हेयर कीजिएगा। क्लिक हेयर करने के बाद ऐसा कुछ खुल जाएगा। यहाँ पे यूज़र आईडी और जो पासवर्ड डालना है, मैं पहले ही बता दूँ, ये आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। यूज़र आईडी मतलब रोल नंबर और पासवर्ड उसी में दिया है, वही लेगा। आपका एसएससी का जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप यहाँ डालते हैं ये यहाँ पर काम नहीं करने वाला है, मैं पहले ही बता दूँ, क्योंकि मैं खुद इसको बहुत बार कर रखा था तो नहीं हो पा रहा था, ठीक है। इसमें लॉगिन करेंगे आप। लॉगिन करने के बाद देख सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी कैंडिडेट्स ने एग्जामिनेशन दिया और अपना पीडीएफ डाउनलोड करके अपना मार्क्स कैलकुलेट कर लिए हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिसके कारण हम लोग को जो है क्या कहता है एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने में थोड़ी सहूलियत होगी। वैसे मैं एक पोल भी क्रिएट कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। आई बटन में यहाँ पर आपको पोल मिल जाएगा और मैं वहाँ पर भी पोल क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। आप यहाँ पर आई बटन जाओगे, इस साइड में आई बटन मिलेगा, वहाँ एक पोल क्रिएटेड रहेगा। आपको अपना बताना है कि मार्क्स कितने के अंडर है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कुछ ऐसा ही आपको ये मिलने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पे ट्रांसलेट करना चाहते हैं, आप अगर हिंदी में दिए होंगे तो हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में दिए होंगे तो इंग्लिश में मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे आपको चेक करना है, मैं भी वो भी बता देता हूँ। जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, यहाँ पर आपने आंसर दिया हुआ है, यहाँ इसका सही उत्तर होगा थर्ड ऑप्शन, और जो भी कैंडिडेट है उसने ऑप्शन क्या चुना हुआ है 1, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा और ये नेगेटिव मार्किंग के लिए चले जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे स्टेटस क्या है नॉट आंसर्ड, यानी कि इसमें जो है आंसर दिया ही नहीं गया है, तो इसमें ना पॉजिटिव मार्क मिलेंगे ना नेगेटिव, 0। और इसका सही उत्तर क्या होगा 3 ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन होगा इसका सही उत्तर। इसी तरह 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें भी आंसर नहीं दिया गया है कैंडिडेट के द्वारा, तो इसमें भी कोई मार्क्स वगैरह नहीं कटेंगे। तो जिसमें भी आपको दोस्तों क्या कहता है आपने गलत आंसर दिया उसमें नेगेटिव मार्किंग हुई। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ऑप्शन जो चुना गया है कैंडिडेट के द्वारा वो ऑप्शन A1 चुना गया है और सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, तो इसमें क्या हो जाएगा नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। इसी तरह सारे क्वेश्चन है सेक्शन वाइज है। यहाँ पे तो अभी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, इसके बाद आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन मिल रहे हैं। भारत से किसने करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, तो नरेंद्र मोदी इसका सही उत्तर होगा, लेकिन कैंडिडेट ने आंसर क्या दिया था अमरिंदर सिंह, जो कि आपके पंजाब के CM है भी, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव का कान का भाग नहीं होती है, तो इसका होगा उर्वशिष्ठ, और इसका आंसर नहीं दिया गया था जिसमें एक मार्क्स भी नहीं कटेंगे, ठीक है। इसी तरह देख सकते हैं जैसे कि ये है लगातार 4 टेस्ट श्रृंखलाओं में दोहरा शतक बनाने वाले पहले और वर्तमान में एकमात्र बल्लेबाज कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा विराट कोहली। आप देख सकते हैं और ये जो कैंडिडेट ने था उसने सही उत्तर दिया है, तो इसके लिए उसे पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे, यानी कि टोटल 2 मार्क्स, ठीक है। इसी तरह सारे क्वेश्चन हैं। फिर अगर हम देखें यहाँ पे करंट अफेयर सॉरी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि क्वांट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ से शुरू हो गए क्वांट्स के क्वेश्चन। जैसे कि थर्ड इसका आंसर होगा और जो कैंडिडेट है उसने भी ऑप्शन क्या चुना है थर्ड ही चुना है, इसमें 4th ऑप्शन होगा आंसर सही, लेकिन कैंडिडेट ने ऑप्शन 1 चुना है इसलिए नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। इसी तरह आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन एक एक करके आ गए आपके सामने। फिर यहाँ पर इंग्लिश में आता है, जो इसका क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगी ऑब्वियसली बात है, तो वी मस्ट डैश हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बनना था एग्जर्ट डोनेट रेंडर कॉन्ट्रीब्यूट, तो सही ऑप्शन क्या होगा रेंडर होगा, लेकिन कैंडिडेट ने आंसर इसका नहीं दिया था।
तो ऐसा रहा है दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि इसी तरह से हैं, सेक्शन वाइज दिए गए हैं, आप इजीली चेक कर सकते हैं इसमें क्वेश्चंस। जैसे कि 25 क्वेश्चन है, 25 25 25 करके क्वेश्चन है, चार सेक्शन में टोटल 100 क्वेश्चन है। आप लोग चेक करके अपना जो कट ऑफ है, कट ऑफ मैं आपको बताऊँगा कितना जाएगा, उसके लिए मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जो हैं, टोटल जो फाइनल मार्क्स आपके जुड़ रहे हैं दोस्तों, आउट ऑफ 200 बताइएगा। मैं फिर से बता दूँ, आउट ऑफ 200 अपने मार्क्स बताइएगा कि कितने हैं। लेकिन बहुत लोगों के इसमें कन्फ्यूज़न भी हो सकता है कि जैसे कि 200 के मार्क्स में, अगर वो 100 के मार्क्स में दे देते हैं, फिर भी आप लोग अब मार्क्स के बजाय इतना बताइएगा कि आपका टोटल सही और गलत जो है मिला के जुला के कितना होने वाला है, ठीक है? टोटल सही कितने हैं और टोटल गलत कितने हैं, तो उस हिसाब से अपना मार्क्स बताइएगा आउट ऑफ 100, ठीक है? आउट ऑफ 100 बताइएगा और आउट ऑफ 200 ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आई बटन में मैं यहाँ पे पोल क्रिएट कर दूंगा, वहाँ पे भी ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा लोगों तक इसका इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। और कुछ भी क्वेरी होती है दोस्तों तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। और CHSL एग्जामिनेशन के अगर आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से ज़रूर ले लें उमंग स्टडी कूपन कोड अप्लाई करके। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है शुभम, मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। बाय।